नमस्कार, मिथिला मस्टीज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बड़ी खबर हम बता दें कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी में लिस्ट फाइनल नहीं हुई है उम्मीदवारों को, जिसे लेकर के आज भी पक्ष में रहा। हायाघाट से मात्र एक ऐसा सीट है जहां पर रस्सा कसी चल रही है, वहां बैद्यनाथ चौधरी बैजू को टिकट दिलाने के लिए वरीय नेता भी चाह रहे हैं, लेकिन वैश्य को नाराज नहीं करने पर इसे लेकर रामचंद्र शाह की विवाद चल रही है। तो हम बता दें, बहादुरपुर की बात अब हम कर रहे हैं। दरभंगा शहरी विधानसभा का, दरभंगा शहरी विधानसभा का जरा गौर से विश्लेषण समझिएगा। दरभंगा शहरी विधानसभा में मुस्लिम वोटर जब भी किसी के ऊपर अपना विश्वास रखते हैं तो वो चुनाव जीतने के करीब पहुंचता है, लेकिन समीकरण बनता है और बिगड़ता भी है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी से जदयू अलग थी तो संजय सराबगी 6,000-6,500 वोट से ही मात्र जीत पाए थे ओम प्रकाश खेरिया से। हालांकि ओम प्रकाश खेरिया का कुछ वोट कटा था और इस वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। संजय सराबगी को भी इस बात को लेकर के आशंका थी कि आखिर वो इस बार जीतेंगे या नहीं, लेकिन वो 6,500 से मतों से वो जीत हासिल कर ली। उसके बाद इस बार के चुनाव उनके लिए कठिन चुनौती साबित होगी, क्योंकि जनता के बीच इस बात को लेकर के चर्चा है कि एक ही चेहरा भाजपा में बार बार नहीं होना चाहिए। संजय सराबगी 5वीं बार विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। संजय सराबगी के विचार और संजय सराबगी के सोच लगातार बदलते जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि संजय सराबगी में गरूर और घमंड आ गया है, जिस वजह से वो न कार्यकर्ताओं की सही पूछ करते हैं न ही जनता की। कई क्षेत्र में तो जाते भी नहीं, कई क्षेत्र में गाड़ी से जाते हैं, बाहरी बार चले आते हैं। हालांकि दरभंगा नगर निगम में वो भी बैठते हैं, फिर भी दरभंगा नगर निगम की स्मार्ट सिटी नहीं बनाया जा सका, लेकिन वो बड़ी बड़ी बातें अवश्य करते हैं। दरभंगा में एम्स लाने की बात वो हमेशा कहते आए हैं, एयरपोर्ट की बात वो हमेशा कहते आए हैं, लेकिन एयरपोर्ट में भी आपने देखा उन्होंने टिकट कटाया, लेकिन जब टिकट के रेट अधिक होने लगे तो उन्होंने अब टिकट वापस भी कर लिया। जब उस पर फेसबुक पर कमेंट आने लगे तो फिर उन्होंने टिकट कटवाया। इसके अलावा दरभंगा डीएमसीएच की हालत आप जानते हैं, ये बार बार लोग संजय सराबगी से सवाल पूछ रहे हैं। आप एम्स बनाने का आप वादा कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं एम्स बन जाएगा तो लाखों लोगों को फायदा पहुंचेगा, लेकिन एक डीएमसीएच जो आपके ही क्षेत्र में आता है, आप वहाँ के साथ जो सामान के लिए बात करते हैं, वहाँ के अधीक्षक उपाधीक्षक वहाँ के डॉक्टरों की बात करते हैं, वहाँ मंगल पांडे आपके नज़दीकी है, मंगल पांडे से कई बात आपने बात की, लेकिन क्या वहाँ गरीब मरीजों का इलाज सही तरीके से हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है, वहाँ दवा नहीं मिल रही है, वहाँ जाँच की सुविधा नहीं मिल रही है, जाँच होते हुए लोगों को जाँच नहीं हो पा रहा है, क्या आपने कभी डीएमसीएच में धरना प्रदर्शन किया? क्या आपने डीएमसीएच में कभी जा करके गौर से देखा वहाँ के मरीजों के क्या हालात हैं? इस बार जनता ये सवाल आपसे पूछ रही है। तो दूसरी तरफ बता दें, अमरनाथ गामी भी कुछ कम नज़र नहीं आ रहे हैं। अमरनाथ गामी को जब अब्दुल बारी सिद्दीकी ने इस बात को लेकर के तेजस्वी यादव के समक्ष रखा कि इस बार वो वैश्य समुदाय ज़्यादा एग्रेसिव हैं, जो नगर विधायक उनके खिलाफ, अगर गामी ही उनका मुकाबला कर सकते हैं, तो इसे लेकर के जैसे वैश्य की बात चली तो 6-6 वैश्य ने अपना नामांकन के लिए वहाँ पर आवेदन जमा कर दिया, लेकिन बाद में अमरनाथ गामी जैसे ही इसमें एंट्री लिए तो अमरनाथ गामी के लिए अब्दुल बारी सिद्दीकी ने मोहर लगाई और अमरनाथ गामी को दरभंगा शहरी विधानसभा से वैश्य के नाते टिकट दिया गया। लेकिन हम बता दें, अमरनाथ गामी निश्चित तौर पर फेसबुक पर जो अपना कमेंट करते हैं वो कभी कभी उनके लिए नुकसान साबित हो सकता है, और इस बार उनके लिए नुकसानदेह साबित हुआ है। उन्होंने जो लिखा, वो आरएसएस के लगातार मेंबर रहे हैं, वो आरएसएस को चंदा देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, तो लोगों में कयास लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के नाते अगर वो वोट मांगते हैं कि हम पहले थे, ये कौन नहीं जानता, ये सब जो बोलते हैं निश्चित तौर पर अल्पसंख्यकों को अटपटा सा लगता है और ये कटु वचन की तरह होता है, क्योंकि अमरनाथ गामी को समझना चाहिए था ये चुनाव का समय है, कम से कम अपने बोल पर, अपने पोस्ट पर थोड़ा सा वो सोच समझ कर पोस्ट करें, बोले तो ज़्यादा फायदा हो सकता था। लेकिन अमरनाथ गामी के ये शब्द निश्चित तौर पर अल्पसंख्यक को चुभने लगा है और अल्पसंख्यक का विकल्प की तलाश में है। हालांकि ओम प्रकाश खेरिया को इस बार टिकट नहीं मिलने से वो भी नाराज हैं, और विकल्प के रूप में यहाँ पर जाप के पार्टी के भी एक उम्मीदवार को खड़ा किया गया है, सियाराम पासवान को। सियाराम पासवान जो सदर से हैं, वो प्रमुख रहे हैं, तो सियाराम पासवान को जाप ने टिकट दे करके वो एक समुदाय के वोट को लेकर के वो भी आगे आए हैं। तो अब ये सवाल सिर्फ उठने लगा है कि क्या अमरनाथ गामी को
वैश्य समुदाय के अलावा और किसी का वोट मिलेगा, क्योंकि ये जो रणनीति है वो जात और जमात की रणनीति नहीं होनी चाहिए। हम बता दें, जनता को सुविधा चाहिए, जनता को नेताओं से मदद चाहिए, जनता को समस्या ना हो, अपने अपने क्षेत्र के विकास को लेकर के बात होनी चाहिए। लेकिन इसमें जो जात जमात की बात हो चुकी है, इसे लेकर के अब दरभंगा में ये संशय की स्थिति है। लेकिन तीसरा मजबूत विकल्प की तलाश में दरभंगा की जनता और वोटर है कि अगर दो के बीच, यानी अमानातगामी और संजय सराबगी के बीच, अगर तीसरा कोई विकल्प, मजबूत विकल्प मिलता है तो उनको वोट सुरक्षित मिल सकता है और वो चुनाव जीत सकते हैं। बीच में ऐसी परिस्थिति में अगर संजय सराबगी के वोटों का बंटवारा होता है और अमरनाथगामी के वोटों का बंटवारा होता है, जो तीसरा विकल्प होगा जिसको सभी दलों का, सभी वोटरों का अगर समर्थन प्राप्त होगा तो वो चुनाव जीत सकता है। ऐसे में ओम प्रकाश खेरिया बीच में अपना दांव लगा रहे हैं, क्षेत्र में घूम रहे हैं, जनता और समर्थकों के साथ वार्ता कर रहे हैं और वो 19 तारीख तक निर्णय लेंगे। और वो जो निर्णय लेंगे, हो सकता है कि दोनों प्रत्याशियों को मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। तो देखते रहे मिथिला मस्जिद पर हर अपडेट खबर क्या निर्णय होगा। लेकिन हम बता दें कि अगर ओम प्रकाश खेरिया और अमरनाथगामी और संजय सराबगी, तीनों की राह आसान नहीं है। लेकिन बता दें उसके अलावा जो छोटे छोटे दल आ रहे हैं, लोग जानते हैं ये दल केवल वोट काट सकते हैं, जीत नहीं सकते हैं। ऐसे में अब जनता जागरूक हो गई है, वो जानती है कि किसे वोट डालना है, किसे जिताना है, किसे हराना है। लेकिन छोटे छोटे जैसे आम आदमी पार्टी से ही शंकर झा घूम रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सभी लोग जानते हैं कि उनके पास वोट नहीं है। 5000 वोट अगर काट लेते हैं तो निश्चित तौर पर वो किसी का भी काटेंगे तो किसी को नुकसान तो नहीं हो सकता 5000 वोट से। लेकिन उनको, लोग ये जानना चाहते हैं कि वोट किसको देने पर सफलता मिलेगी और किसको वोट देने से बर्बाद हो सकता है। तो ऐसे में कुछ छोटे छोटे दल आएंगे जिससे आपका वोट बर्बाद हो सकता है। तो जनता इस बात को समझ रही है और चर्चा कर रही है और तीसरा विकल्प सोच रही है। तो देखते रहे मिथिला मस्जिद, कौन हो सकता है दरभंगा शहरी विधानसभा का तीसरा विकल्प। एक रिपोर्ट।